बलूनी पब्लिक स्कूल, जिन्होंने फाइनल में पहुंचकर अपने स्कूल का नाम निश्चित तौर पर बढ़ाया है, रोशन किया है। और हमारे ठीक सामने सरकारी स्कूल इंटर कॉलेज कुंभीचौड़ की टीम पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर गई है। और बलूनी पब्लिक स्कूल, जिन्होंने फाइनल में पहुंचकर अपने स्कूल का नाम निश्चित तौर पर बढ़ाया है, रोशन किया है। और हमारे ठीक सामने सरकारी स्कूल इंटर कॉलेज कुंभीचौड़ की टीम पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर गई है। और अब थोड़ी देर के बाद ये फाइनल मुकाबला आप देख पाएंगे इंटर कॉलेज मोटरढाक के प्रांगण में। और जैसे हमें जानकारी दी गई है आयोजक मंडल के द्वारा, आज के इस फाइनल मैच की ओपनिंग सेरेमनी के लिए हमारे बीच बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी। और जैसे ही वो पहुंचेंगे, उनके द्वारा यहाँ पे दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया जाएगा और फिर आप देख पाएंगे ये बेहतरीन फाइनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे खेला जाएगा। और जिन दो टीमों के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जाना है, आप उनको देख सकते हैं मैदान में। बलूनी पब्लिक स्कूल एक रिनोन नेम है, एक बहुत बड़ा नाम है स्कूली क्षेत्र में। और जो दूसरी टीम है सरकारी स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज कुंभीचौड़ की टीम, जो पहली मरतबा इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है और टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से एक सैंड होने और इसे एक उलट फेर भरा परिणाम बताया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा। तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन फाइनल मुकाबला यहाँ पर होना है। सिद्धार्थ जो इस आयोजन समिति के कर्ता धरता है, जिन्होंने यहाँ पर इस बेहतरीन टूर्नामेंट को संचालित करने में अपना पूरा योगदान दिया है, पूरा जोर लगाया हुआ है, उनकी टीम है जो लगातार इस टूर्नामेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है। और आप सभी जानते हैं ये जो टूर्नामेंट है ये समर्पित है शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को, जिन्होंने देश के लिए किया सुप्रीम सेक्रीफाइस। और उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में शहीद मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था की ओर से हर साल यहाँ पर इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट कराया जाता है, जिसका फाइनल अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शुरू होगा। और इससे पहले एक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की गई थी, जो एक बेहतरीन प्रतियोगिता थी जिसमें उत्तराखंड की बेहतरीन टीमों ने शिरकत की थी। तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शहीद मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि कोटद्वार में फुटबॉल अब खेला जाने लगा है और कम से कम 10-12 फुटबॉल के क्लब हैं जहां पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। और अब फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय है उत्तराखंड में। कोई भी टूर्नामेंट अगर होता है अंडर 19 लेवल का, तो कोटद्वार की टीम हमेशा सेमीफाइनल तक का सफर कम से कम तय करती आई है। और ये सारा जो प्रयास है ये मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था का है। और मैं निश्चित तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हैं श्री सुनील रावत जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से ही यहाँ पर अब फुटबॉल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और सैकड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया, उसके बाद अब रोजगार के रूप में मिलिट्री में या पैरामिलिट्री फोर्स में उत्तराखंड पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर खेलों को रोजगार से जोड़कर देखा जाने लगा है। और फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था कोटद्वार में कई सालों से करती आ रही है, उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। और कोटद्वार में फुटबॉल का स्तर अच्छा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में, भविष्य में, ये जो बच्चे अंडर 19 या अंडर 17 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी बाद में स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट करें, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें, इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक बार फिर आप सभी फुटबॉल प्रेमियों का स्वागत है इंटर कॉलेज मोटरहाट के प्रांगण में। इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आप देख पाएंगे यहाँ पे थोड़ी देर के बाद। और जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे थे, आज के इस फाइनल मैच की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बतौर चीफ गेस्ट शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी हमारे बीच पहुँच गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह बिष्ट गढ़वाली जी के नाम से जाने जाते हैं और कोटद्वार के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार किया जाता है आपको, और उनका वेलकम किया जा रहा है। तो आयोजन समिति के सबसे कद्दावर नेताओं में एक शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी, आपका स्वागत है तमाम आयोजन समिति की ओर से, फुटबॉल प्रेमियों की ओर से। और बहुत अच्छा दृश्य है, बड़ा खुशी का पल है, आप हमारे बीच पहुंचे हैं। और अब और शहीद मुकेश बिष्ट के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा, टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर एक नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट गढ़वाली जी आप करवा दें तो बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपका फुटबॉल के लिए, और फुटबॉल तो अब कोटद्वार में लोकप्रिय है। तो श्री सुनील रावत जी अंतर्राष्ट्रीय कोच, आपसे नेशनल मैच की ओपनिंग सेरेमनी के ऑनरेबल चीफ गेस्ट शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली हमारे बीच मौजूद हैं बतौर चीफ गेस्ट, और उनका बैच अलंकरण किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा दृश्य है वीआईपी स्टैंड में। और अब इस फाइनल मैच की ओपनिंग सेरेमनी की जो तमाम गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो चुकी है, छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम है, जोरदार तालियां जरूर बजाएं आप इस शानदार दृश्य के लिए। और एक फूलों का बुके दिया जाना है ऑनरेबल चीफ गेस्ट को। धर्मी भाई से मेरी गुजारिश रहेगी, स्टूडियो फेम धर्मी भाई आपसे निवेदन है। फोटो
और आरएसएस के जिला प्रचारक भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है और बहुत अच्छा दृश्य है। फूलों का बुके दिया जा रहा है उनके गेस्ट को, निमंत्रण की जो प्रक्रिया है उसको करें। और अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति की परंपरा भी है। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जिला प्रचारक श्री पारस जी हमारे बीच पहुँचे हैं, उनका बैज अलंकरण किया जा रहा है तरुण इस्टवाल के द्वारा। सामाजिक कार्यकर्ता तरुण इस्टवाल जो यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते रहे हैं और उस समय आप देख सकते हैं वेलकम किया जा रहा है ऑनरेबल चीफ गेस्ट का। और अच्छा दृश्य है, तो निश्चित तौर पर इसे कैमरे में एक याद के तौर पर कैद कर लिया गया है। दीप प्रज्वलित वहाँ पे किया जा रहा है और पुष्पांजलि वहाँ पे होगी, तो काफ़ी भावुक दृश्य भी होता है, गर्व से भरा दृश्य भी होता है। और देश पर जान देने वालों को उस तरह ही याद करते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा बलिदान कुछ हो नहीं सकता के लिए। और सरहद पर सीमा की सुरक्षा करते हुए सम्मान में फिलहाल आप जो सेरेमनी है वो पूरी की जा रही है, टीम को प्रज्वलित किया जा रहा है, पूरी टीम बिल्कुल तैयार है और बहुत टीमों के जो कोच हैं अपने खिलाड़ियों को जरूरी हिदायत देते हुए आखिरी मौका होता है उनके पास, क्योंकि 10 मिनटों के बाद ये फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। फिलहाल प्रतियोगिता भी है दीप उनकी याद में, उनको याद करते हुए दीप प्रज्वलित ऑर्डर किया जा रहा है। और आज के इस फाइनल मैच में ऑनरेबल चीफ गेस्ट सरेंद्र बिस्कटवाली जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और आरएसएस के जिला प्रचारक आरएस जी वहाँ पर हैं, श्री गिरिराज सिंह रावत जी को मैं देख पा रहा हूँ और प्रेम सिंह रावत जी हैं, तमाम लोग इस महत्वपूर्ण मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दीप प्रज्वलित करते हुए सभी असिस्टेंट कमांडर को समर्पित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल अब आप देख पाएंगे। और इसकी सारी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं। रजत नेगी दोनों टीम के खिलाड़ियों को अब मध्य रेखा पर बुला दें, दोनों टीमें लाइनअप हो जाए मध्य रेखा पर। मुख्य निर्णायक रजत नेगी, दोनों टीमों को आप कहें कि वार्म अप अब खत्म हो चुका है, अपना जो वार्म अप का समय खत्म हो गया, अपने स्टैंड की ओर जाएं और अब टीमों को लाइनअप कराया जाएगा। तो जितने भी अतिरिक्त लोग हैं आप मैदान में मौजूद हैं उनसे निवेदन है कि मैदान से बाहर आ जाएं।
बहुत नजदीकी मामला था ये ट्राई करते, लेकिन डिफेंडर एकदम चौकन्ने उन्होंने गेंद को क्लियर किया। अभी भी खेल जो है कुंभी चौड़ के हाथ में ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा ही मुझे लगता है कुंभी चौड़ को ही मिला है अपने आप में। और पर भी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है बीपीएस ने, और ये रनिंग पास खिलाया अपने साथी को कुंभी चौड़ के खिलाड़ी के पास, जिन्हें लंबा थ्रू पास निकाला है चाहे फ्लैग पर। यहाँ पर जरूर मौका बना सकती है टीम कुंभी चौड़, वहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, डिफेंडर यहाँ से अगर क्रॉस आता है तो हेडर हो सकता है, लेकिन क्रॉस कमजोर था ये, काफी समय था उनके पास नियंत्रण में लिया भंडारी है गोलकीपर, अच्छी हाइट है उनकी, तो उनके ऊपर आसान नहीं रहेगा उनके गोल करना। बहुत अच्छी तेज तर्रार फुटबॉल का मुजाहरा करते हुए कुंभी चौड़ के खिलाड़ी, और आज मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में कुंभी चौड़ के खिलाड़ी काफी जोश भाई के अलावा तमाम लोग विक्रम सिंह रावत जी को भी देख पा रहा हूँ, श्री लक्ष्मी रावत भाई को, सुनील रावत जी मैच का आनंद ले रही है, और फिलहाल ये गेम बढ़ाई जरूर गई है, लेकिन वहाँ पर फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी से पहले पहुंच गए गोलकीपर ने, उन्हें दस्तानों में गेंद को लिया और हाथ से ही अपने साथी को गेंद पहुँचा दी उन्होंने। प्रियांशु भंडारी है गोलकीपर, और सिद्धार्थ रावत के पास तमाम जानकारी है जो के सभी आयोजनों में जो राजनाई स्विंग काफी बड़े बड़े नाम थे। अच्छा लंबा पास आया है, गोलकीपर आगे निकल कर आ गए हैं और सफाई से रोका उन्होंने गेंद को। तो फुटबॉल में काफी बड़े नाम बाल भारती टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और टीम जो फाइनल में पहुंची है वो आप देख रहे हैं आपके सामने है, लाल रंग की जर्सी व्हाइट रंग के नेकर में जो टीम है वो बलूनी पब्लिक स्कूल की टीम है, और हरे रंग का जो अपर पहना है और वो टीम है इंटर कॉलेज कुंभी चौड़। और ये थोड़ा बेटर था, और बैक हेडर के बाद गेंद गई है गोल लाइन से बाहर, तो गोलकीपर ने
लेकिन
बढ़िया मुकाबला चला। जो सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने भी पेनल्टी मिस किए हैं। बड़े मैच में बड़ा दबाव रहा है, फाइनल मैच में ये मिस हुआ पेनल्टी। और रोबर्टो बॉजियो जो बेल्जियो जो बेहतरीन खिलाड़ी खेल चुके हैं उन्होंने भी पेनल्टी किक मिस कर दिया था एक बार। फिलहाल इस मैच की बात करें तो थोड़ा सा दबाव पर हमें जरूर कामयाब हुई है बलूनी कबड्डी की टीम की टीम और पहले ही आपका खेल चल रहा है अभी और मैच का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल ये अब कुंभी चौड़ का जवाबी हमला बनता हुआ दिखिए इसके ऊपर, वहाँ पर खिलाड़ी पार्लियामेंट में ज़्यादा मौजूद है ये कुंभी चौड़ के। और अब डिफेंडर ने गेंद को अपने नियंत्रण में लिया, आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं लेकिन गेंद आ गई है कुंभी चौड़ के पास, तिरछी ले गई है। तुरंत डीपीएस ने गेंद को अपने नियंत्रण में ले लिया, अच्छा मैन टू मैन पास के जरिए डीपीएस के खिलाड़ी ये बहुत अच्छा मौका है क्रॉस खिलाने का, बहुत अच्छा ग्राउंडर आया है लेकिन डिफेंडर ने गेंद को सही किया खतरे के क्षेत्र से लिया है गेम को काफी दूर सफर तय कराया सीधे गोल कीपर ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो अब कुंभी चौड़ इंटर कॉलेज की फॉरवर्ड लाइन को सोचना होगा कि जिस तरह से दूर नहीं बन पा रहे होंगे मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर डीपीएस की टीम पहले आपको गोल कर लेगी तो, क्योंकि थोड़ा तेज दरार नजर आ रही है टीम जीतिए उनके मुकाबले और उनका हमला भी ज़्यादा किए उन्होंने बॉल प्रदर्शन भी ज़्यादा है उनके पास, लेकिन फुटबॉल में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। फुटबॉल में मायने रखता है गोल और ऐसा भी कई बार होता है कि और काफ़ी फुटबॉल के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आए हैं और अगर नहीं दिखाई दे तो सिटी वाइज यहाँ जो हमेशा मौजूद रहते हैं और बहुत तेज धूप आ जाएगी लेकिन ऐसा तो था नहीं है। ड्रो अच्छा दिया जरूर गया था लेकिन गेंद को अब उसे भी आदि दीजिए खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए लंबा पास रनिंग पास निकाला जरूर है लेकिन कोई इसका लाभ मिलेगा नहीं। अच्छा और इनको अपने नियंत्रण में लेना और रेफरी ने समझा है खिलाड़ी को शायद कार्ड दिखाया जा रहा होगा फुटबॉल में ग्रीन कार्ड येलो कार्ड रेड कार्ड तीन तरह जरूर करेंगे लेकिन अब एक ही टीम आकर बाई पैर से टिक लेने का प्रयास करेंगे। खिलाड़ी रजत नेगी भी खुद नायक है रिलीश नेगी और राजन मसाई असिस्टेंट रेफरी अब तीन खिलाड़ी बहुत बढ़िया टीम लेकिन किक सीधे गोल कीपर के हाथों में इस तरह की किक पर तो गोल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि गोल कीपर फाइनल की टीम के गोल कीपर हैं तो अच्छे गोल कीपर होंगे अपनी टीम के इसीलिए फाइनल मैच में गोल कीपर कर रहे हैं। तो इतनी दूर से एक बार फिर ये कोशिश जरूर कर रहे हैं बीपीएस के खिलाड़ी, ये जरूर है कि गेंद को उन्होंने ज़्यादा तक मध्य रेखा से लेकर किक लेते हैं भूलता हुआ किक जरूर आया है लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं और अब जाकर गेंद को थोड़ा खतरे के क्षेत्र से दूर किया है बीपीएस को लेकिन पेनल्टी शूट आउट में भी गोल नहीं हो पाया। इस मैदान में बहुत ज़्यादा फुटबॉल नहीं खेली उन्होंने लेकिन पांच बार जो प्रेम पवार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है उसको जीता है कुंभी चौड़ कॉलेज में और कोर्ट डाल के काफ़ी समय तक सेवाएं दी उन्होंने और राज्य के क्रिकेट हो गए थे वो तो ज़्यादा खेल नहीं पाए लेकिन बेहतरीन फिलहाल ये इंटर कॉलेज कुंभी चौड़ के खिलाड़ी का हमला बनाने का प्रयास लेकिन नाकाफी रहेगा क्योंकि वहाँ पर चौकनी और आप भी जैसे खिलाड़ी ये सेंटर गया गेंद को वहाँ पर हेडर आता ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं इंटर कॉलेज कुंभी चौड़ के और पूरा डिफेंस बड़े ही संभाल के रखा है और उनके पैर में पावर भी काफ़ी है लंबा क्लियरेंस और अच्छा डिलीवरी यहाँ पे है लेकिन ये अच्छा पास निकाला लेकिन ये आकाश से भी मिस हो गया है और यहाँ पे मौका बनाने का प्रयास लेकिन मुझे लगता है फ्लैग दबाव है अच्छा ठिकाया है घूमता हुआ तो नहीं लेकिन सेंटर हेडर जहाँ पर से लेना चाहिए तो मौके भी नहीं बिल्कुल भी हेडर से। और इसी के साथ पहले आपका खेल खत्म हुआ, आप सबको ये बताते हुए कि शून्य शून्य की बराबरी पर पहले आपका खेल खत्म हुआ है बलूनी पब्लिक स्कूल वर्सेज राजकीय इंटर कॉलेज कुंभी चौड़। जैसे ही दूसरे आपका खेल शुरू होगा आपको लाइव फॉर्म की जरूर सुनाई है। और यही वजह थी काफी दूर बड़ी थे बलूनी की टीम और अब बलूनी की टीम को यहाँ से प्रदर्शन करना है तो मुकाबला खुला हुआ है उन दोनों के लिए सब कुछ लेने की बजाय मुकाबला कर रहे हैं फिर भी
और यहाँ पे फिर से मौका बनाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ऑफसाइड हो गई। यहाँ पे फिर से मौका बनता यहाँ पे राइट फिर से गेंद चलाती है मौका हो सकता है काफी अच्छा है यहाँ पे एफर्ट करने की जरूरत थी लेकिन फिर से चूक गए। और बताना चाहिए जो ये हमारा फाइनल मुकाबला जी हाँ देवभूमि यात्रा नामक यूट्यूब चैनल हमारे सरकार श्री उपेंद्र नेगी सर देवभूमि यात्रा नामक चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए लगातार काफी अच्छे अच्छे कवरेज डालते हैं उत्तराखंड का कवरेज पहले तो बात पहुंचाने कार्य कर रहे थे लेकिन अब खासा चलने लग गया चैनल अब बजट अच्छा हो गया तो लगातार फिर उत्तराखंड का कवरेज डालते हैं तो जरूर जाए उनके पास उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी दर्शक हमारे बीच में देर से जुड़े उपेंद्र नेगी सर का चैनल देवभूमि यात्रा तो उससे पहले जो शहीद होकर इसमें स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं वो भी लगातार उनके चैनल पे हम अपलोड करवाते हैं और यहाँ पे उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप कभी चाहेंगे लगातार आते हैं सुबह से शाम तक आपको खड़े रहना पड़ता है वापस भेजते आपके बावजूद आप कभी खाना भी देखने देते हैं यहाँ पे खोल जाता इन फेवर ऑफ कुछ का अच्छा तो यहाँ पे साथ ही खिलाड़ी के लिए पैक का जरूरत था तो थ्रो ही जाएगा फिर अच्छा कार्य कर दिया कुंभ चौधरी के दूसरे हाफ में इतने कमाल के अटैक्स बनाए लेकिन कोरोना के कारण होगा था बताना चाहेंगे और इससे पहले कॉन्वेंट की टीम ने एक बार आया था यहाँ पे अच्छी किक जरूर लगाई तो दूसरा फाइनल खेलने लगा तो पांच बार जीतते तो आपका परिवार ज्यादा दर्श आता है क्योंकि लगातार पास आउट होते हैं खिलाड़ी उसके बावजूद पांच साल अगर आप जीतते हैं टूर्नामेंट को तो परिचय देता है कि आपके स्कूल का जो मैनेजमेंट है कितना अच्छा तो हमारे ऑफिशियल प्लेयर में थे तो दोनों टीमें कमाल में आते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा बताया डिफेंस को और आगे राइट विंग से गेंद चलाते मौका बनाने की कोशिश थी भंडार के सर से हाथों फिर से गेंद जाएगी अच्छा किक यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से ऑफसाइड का इशारा खिलाड़ी ऊपर खास बैठे तो हम कहना चाहेंगे एक जज्बात में बैठे नीचे में कूद जाइएगा काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है तो यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा तो अच्छा है जैसे गेम प्ले जरूर किया था लेकिन भंडारी फिर से आ गया इस तरह से हाथों पर गेम ले लिया अच्छी किक फिर से मौका बनाने की कोशिश काफी समय बड़ा चल रही थी जिसके लिए खिलाड़ी गेंद आगे लेके जाते और यहाँ पे अटैक करने की कोशिश जरूर थी लेकिन फिर से चूके तो अच्छा कॉर्नर किक यहाँ पे खासा हो गया जाती गेंद मौका हो सकता था यहाँ पे किसी गोल पोस्ट के अंदर गेंद जाने की कोशिश कर रही है फिर से अटैक बनाने की कोशिश झट से करती क्योंकि जो कमाल का प्रयास करते हैं तो यहाँ हवाई फायर दोनों को यहाँ पे रोक रहे फिर से यहाँ पे लगाया जरूर था ऐसा रिबाउंड में गेंद आ गया ये करने की कोशिश भी कर रहे लेकिन अच्छी प्लेस पे फिर से डिफेंस खेल रहे अच्छी यहाँ पे गोल की लड़ाई प्रयास
ठीक लगाए जाते हैं। अगर गोलकीपर पिच अच्छी हो तो कमाल का टाइम बन जाता है, अपने आप में बेटा खासा काम काम कर देते हैं, जितने अच्छे गोलकीपर होते हैं। तो रात में जाकर गेंद चलाने की कोशिश है, अच्छा हेडर से गेंद पीछे जरूर गिर जाता, लेकिन बलोनी के रक्षा करती खासा अच्छा कार्य कर रही है आज। और यहाँ पे इसे हेडर से गेंद चलाने की कोशिश थी, भंडारी यहाँ पे अंदर आते हैं। अच्छी की यहाँ पे काफी खिलाड़ी को घूमते हैं, बात करें तो शून्य की बराबर के संदर्भ में एक्स्ट्रा टाइम में मैच आ गया है और
मौका बनी के बाद हो सकता है देखने को मिली जो भी नहीं हो पाई तो क्रिकेट के धोनी के लिए बहुत भूल गया और एक क्रिकेट का धोनी के लिए धोनी के लिए आज अच्छा में अपना सफल के बारे में धोनी से पूछे हो गया और मुझे भी नहीं पता लगा कि आप अपने बीच में भी धोनी की स्थिति में आपके साथ हो जाएगा कि कोई कर्तव्य नहीं है जो कि कभी हमने कुछ किया तो नहीं जाएगा फिलहाल कितना की बात करें तो इंडियन स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन कौन होगा सिटी का क्लब ही है इसका फैसला हो जाएगा बहुत जल्द और क्लब की टीम है बलूनी को और बलूनी का दो का अच्छा इंग्लिश शॉट है बहुत अच्छा जानकारी मैदान के लिए जानकारी तो जो भी इतने ऊपर की साइड से खेल रही है उनको ही गोल करना चाहिए ज़्यादा है दूसरे स्थान के साथ दूसरे जाते हैं क्योंकि दूसरे हाथ में जब उनको दूसरी जाते थे तो थोड़ा सा ऐसा लगे प्रैक्टिस करते हैं मौका सकता है Yeah.
देखा कठिन को कहा आप अपने लेस दुरुस्त कर लें और
सबकी धड़कनें बिल्कुल थम सी गई है, मैदान में एक सन्नाटा सा है, जीरो जिसे कहते हैं, और शून्य की स्थिति है। और देखने वाली बात है, पहला किक खिलाड़ी ले रहे हैं, पहला किक ले रहे खिलाड़ी बलोनी पब्लिक स्कूल के, और रजत नेगी के साथ असिस्टेंट रेफरी भी है जो मुआयना करेंगे सही तरह से किक लिया गया है नहीं। बहुत अच्छा किक था, बहुत अच्छा किक, और ये खुशी जाहिर, ये बात अब तीन नंबर के जैसे पहले खिलाड़ी पर फिट बैठती है, अपना काम उन्होंने कर दिया तो खुश तो बहुत होंगे, बैठ गए। और अब बारी है कुंभी चौड़ की, और कुंभी चौड़ की टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस किक को लेने आ रहे हैं, वो जानते हैं कि पहला गोल हो चुका है, पहला किक गोल में तब्दील हो चुका है, तो भंडारी जो बेहतरीन गोलकीपर है उनकी परीक्षा होने वाली है और किक लेने आ रहे हैं। नौ नंबर की जैसे पहले खिलाड़ी कुंभी चौड़ इंटर कॉलेज के, तो पहला किक लिया गया, उस पर गोल हो गया है, अब दूसरा किक लिया जा रहा है, अब किक लिया जा रहा है कुंभी चौड़ के द्वारा, बहुत पावरफुल किक था, और उन्होंने भी जवाब में लगभग किया, और भंडारी का बहुत अच्छा प्रयास था लेकिन गेंद को जाल में डालने में कामयाब रहे खिलाड़ी कुंभी चौड़ के, तो स्कोर नाउ 1-0। और ये किक बाहर से टकरा के बाहर चला गया, और उत्साहित बहुत बढ़िया किक, बहुत बढ़िया किक कुंभी चौड़ का, स्कोर 2-1, 2-1 दोनों के लिए, दोनों टीमों ने, और स्कोर जो है 2-1। बहुत शानदार किक था, दाएं छोर पर चार नंबर के जैसे पहले खिलाड़ी ने लिया, और स्कोर तो बराबर हो गया, लेकिन किक बलूनी ने तीन किक ले लिए हैं, और कुंभी चौड़ को अब तीसरा किक लेना है, तो पांच खिलाड़ियों को मौका मिलेगा गोल करने का, और इसी में अगर लेना है और ये बाहर मार दिया, बाहर के ऊपर से मार दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, काफी दबाव पांच नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास, जिन्होंने ये किक बार के ऊपर से मार दिया, तो बढ़िया प्रयास था, अगर गोल होता है तो फिर आखिर किक से ही फैसला होगा कि कौन सी टीम इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट को जीतेगी। तो 15 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी अब आए हैं किक को लेने के लिए, बीपीएस का आखिरी किक, और इसी के साथ इंटर कॉलेज कुंभी और जैसा कि आपने देखा इस बेहतरीन टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो बहुत ही रोमांचक रहा, पूरे 90 मिनट तक दोनों ही टीमों ने जोरदार खेल दिखाया, बलूनी पब्लिक स्कूल को बहुत सारे मौके मिले, बेहतरीन मौके उन्होंने बनाए, अच्छी फॉरवर्ड लाइन के साथ खेल रही बलूनी स्कूल ने फाइनल तक का सफर तय किया और अपने खेल से सारे दर्शकों का दिल जीता। शुरुआत में जो मौके मिले उनको नहीं भुना पाई, फुटबॉल में ये सब होता रहता है, किसी भी खेल में होता रहता है, पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाया बलूनी पब्लिक स्कूल ने, और बलूनी पब्लिक स्कूल के जो कोच और जो जो भी उनके मैनेजर हैं जिन्होंने इस टीम को तैयार किया है बलूनी पब्लिक स्कूल को, बहुत बेहतरीन
फुटबॉल, और हमें अच्छी तरह मालूम है इस टूर्नामेंट में जब बलूनी पब्लिक स्कूल पहले खेलने आती थी तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाती थी, इस बार फाइनल तक का सफर तय किया और बेहतरीन फुटबॉल का मुजाहरा करते करते अंततः टाई ब्रेकर में जाके मैच का फैसला हुआ। और टाई ब्रेकर एक ऐसा परिणाम होता है जिसको लेकर कोई भी टीम ये नहीं कह सकती कि वो फाइनल में खेलने वाली दूसरी टीम से बेहतर है। कुंभीचौड़ की टीम टाई ब्रेकर में जीती, तो टाई ब्रेकर में भाग्य का साथ बहुत जरूरी होता है। और फिलहाल ये बताते हुए कि इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का जो सातवां संस्करण था इसको जीता है राजकीय इंटर कॉलेज कुंभीचौड़ ने, नई चैंपियन बनी है कुंभीचौड़ की टीम। इसके लिए वो टीम बधाई की पात्र है क्योंकि अंततः चैंपियन चैंपियन ही होता है। और इससे पहले कि हम यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह शुरू करें, और जैसा हम आपको लगातार बताते आए हैं इस टूर्नामेंट में जो फाइनल जीती है टीम उसको चैंपियन ट्रॉफी के साथ साथ 7,000 रुपये की नकद राशि मिलेगी। फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम उप विजेता बलूनी पब्लिक स्कूल को 4,000 रुपये की नकद राशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी, सारे खिलाड़ियों को मेडल दिए जाएंगे। बतौर चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र बिस्कटवाली, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पूर्व और RSS के प्रचारक पारस जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम ये चाहते हैं फुटबॉल को, ये टूर्नामेंट फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए है और आपने टूर्नामेंट जीता है जरूर, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आप आगे जाकर बेहतरीन खिलाड़ी बने। निवेदन रहेगा इस आयोजन समिति के सबसे हमारे महत्वपूर्ण स्तंभ और राजकीय इंटर कॉलेज कुंभीचौड़ में फिजिकल एजुकेशन के टीचर श्री सुनील रावत जी से कि वो थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर देंगे, और जैसा हम आपको बता रहे हैं उसके बाद ऑनरेबल चीफ गेस्ट भी दो शब्द कहेंगे। तो सुनील रावत जी थोड़ा सा जानकारी देंगे यहाँ पे दोनों टीमों के बारे में। धन्यवाद रावत जी। शहीद मुकेश बिष्ट स्मृति अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के इस शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय माननीय श्री शैलेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और उनके साथ श्री पारस जी जो जिला प्रचारक हैं RSS के, वो भी यहाँ पर आए, उनका भी स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हमारे सबसे बड़े जो इस टूर्नामेंट को कराने में जिनका हमको पूरा सहयोग मिलता है, श्री गिरिराज सिंह रावत जी, हम उनका आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने हमेशा हमें अपना सहयोग प्रदान किया है, चाहे वॉलीबॉल के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्षेत्र में हो, या फुटबॉल, या जी इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगिता में भी उनका सहयोग हमें मिलता रहता है। श्री धीरेन्द्र सिंह गंडारी जी, जो इस कोटद्वार के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनको मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, 78 साल की उम्र में भी हमारे को सहयोग प्रदान करते हैं, उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं। श्री बलबीर सिंह नेगी जी, जो स्वर्गीय जगवीर सिंह जी जो टूरेंट कप खिलाड़ी थे और पिछले साल तक उनका हमें सहयोग मिलता था, उनके बड़े भाई हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। श्री भारत सिंह नेगी जी, श्री बीरेन सिंह रावत जी जो टोनी भाई जो जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी पूरा सहयोग हमें मिलता है, आज किसी कारणवश हमें उनका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद कोई काम पड़ गया हो। तरुण इस्तवाल जी, जो आपने देखा होगा, जिन्होंने अभी यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया, वैसे वो इंटर वार्ड करवाते हैं, 40 वार्ड है हमारे कोटद्वार में, और अभी उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था 40 वार्डों का, बड़ा सफल आयोजन रहा, और हमेशा की तरह वे अब फुटबॉल टूर्नामेंट भी कराएंगे, वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी करवाएंगे, उनके माध्यम से ये सब कुछ संभव हो पाएगा। श्री मेहरवान सिंह जी हैं, नेगी जी हैं, जो एक कमेंटेटर कर रहे थे अभी, उनका सहयोग, सुरदीप गुसाई जी का सहयोग, श्री कमल उपरेती जी जो हमारे खेल समन्वय के पौड़ी जनपद के, वे स्पेशल इस मैच को देखने के लिए, इस प्रतियोगिता को सहयोग प्रदान करने के लिए स्पेशल पौड़ी से यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। श्री NK शर्मा जी जो यहाँ पे कमेंट्री भी करते रहते हैं और बराबर यहाँ पर उनका सहयोग मिलता है। श्री दिनेश रावत जी, राजू भाई हो गए, दीप मोहन नेगी जी हो गए, श्री धर्मू भाई हमारे जिनका अभी ड्रोन पूरे मैदान में घूम रहा था, श्री अरुण गोसाई जी, आपने देखा होगा वो बिल्कुल इतने शौकीन है फुटबॉल के लिए,
वो गोवा से यहाँ पर आए कि टूर्नामेंट हो रहा है और स्पेशल यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। और जो केमिकल टाइगर्स जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जो टीमों को कोचिंग करते हैं, वो आपके माध्यम से किया जाता है केमिकल ग्राउंड में। श्री साहिल रावत जी, साहिल जो केमिकल टाइगर के कोच भी हैं, कोरदार के सेलेक्टर भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं। श्री महेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे फुटबॉल कोच हैं स्टेडियम में, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये टीम जो भी खेल रही है, जो जितने भी बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी उन्होंने ही इनको तैयार किया है, प्रशिक्षण दिया है, चाहे स्टेडियम में दिया चाहे अपने स्कूल में दिया, लेकिन उनका भी बहुत सहयोग है। श्री अरुण नेगी जी जो आर्मी के कोच हैं, वे देहरादून चले गए, लेकिन उनका भी बराबर फुटबॉल एसोसिएशन को सहयोग मिलता रहता है। श्री साहिल, मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इसमें 16 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सेमीफाइनलिस्ट जो टीम रही डीएवी पब्लिक स्कूल और बलूनी, इनका मैच भी बड़ा अच्छा रहा और बलूनी ने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल कुंभीचौड़ और तीन बार की विजेता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल को हराकर फाइनल में पहुंची और आज इस टूर्नामेंट को जीतने में भी सफल रही, वे भी बधाई के पात्र हैं। और बहुत अच्छा खेल, हमें बलोनी पब्लिक स्कूल का खेल बहुत अच्छा लगा। पूरे टूर्नामेंट में बलोनी पब्लिक स्कूल का खेल निराश न हो, उन टीम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, टीम कोचों से भी मेरा ये है कि ये भविष्य है हमारा, कोलदार के भविष्य हैं, आप कत भी उसको मत लीजिए, ये आपने भविष्य में इस टूर्नामेंट को जीतना है। जैसे कुंभीचौड़ एक बहुत बड़ा नाम है, मैं कहना नहीं चाहता अपने मुंह से, इसने 5 बार जो है प्रेम पवार टूर्नामेंट जीता लगातार, और ट्रॉफी हमारी दोनों बार वो रनिंग ट्रॉफी थी वो हमारी हो गई वो तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले वहाँ से, संदीप नैनवाल जो बाइचिंग भोटिया, वो जो क्या सुनील छेत्री के साथ खेल भी चुके हैं वे भी थे, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में बेस्ट प्लेयर भी रहे वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं, प्रमोद गुसाई जी वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं, बालम भाई वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं, तो बहुत बहुत अच्छा अच्छे खिलाड़ी कुंभीचौड़ ने दिए हैं। मेरे से पहले भी वहाँ पे अच्छे टीचर थे, उनके द्वारा लड़कों को प्रमोट किया गया। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूँगा कि हमारा एक, अभी मैं उनके पास गया था, एक हमने कॉन्सेप्ट रखा था भरत कप का, क्योंकि गढ़वाल कप भी होता है यहाँ पे बहुत बड़ा, वो लॉकडाउन में हो नहीं पाया कोविड की वजह से, तो हमने उनसे कहा सर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जानते बेटा, उनका एक सपना था कोलार को विश्व मान चित में लाने का, क्योंकि हम सबको पता है कि कोलार में भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम से ये भारतवर्ष पड़ा, मालूम है आपको। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उनकी जो जन्म स्थली है भरत की, उसको डेवलप करना चाहते थे। आज हम कोलार से बाहर कहीं जाते हैं पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, मैं बोलता हूँ कोलार में, तो कोलार नहीं जानते, हम हरिद्वार बोलते हैं वो समझ जाते हैं, हम देहरादून बोलेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन असली नाम कोलार का होना चाहिए, जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा। और वही सपना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने देखा था कर्णासम को डेवलप करने का, और वही सपना मैं ये सैनन गढ़वाली जी देख रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट वीर भरत कप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से यहाँ पे करवाएंगे, और उसमें हमारे बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने सपनों को विराम देता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी, और
क्योंकि टूर्नामेंट खिलाड़ियों का जो खेल है वो सबने देख लिया है, पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पर होना है। तो इससे पहले कि हम इस टूर्नामेंट की विजेता टीम, उपविजेता टीम, टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करें, वॉलेंटियर को पुरस्कृत करें, ऑफिसियल्स को पुरस्कृत करें, मेरा निवेदन रहेगा आज के इस फाइनल मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट और पौड़ी गढ़वाल के जिला पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी से मेरा निवेदन रहेगा, दो शब्द कहें और टूर्नामेंट के बारे में जो बात सुनील रावत जी ने आपसे कही है उस पर आप अपने विचार व्यक्त कर दें, और ये राजनीतिक बात नहीं होगी। मुझे लगता है अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो आप कह दें कि हाँ आप करा दो, क्या हो सकता है हम करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आज के इस मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट जिला अध्यक्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण तो हमेशा राजनीतिक मंचों से दिया है मैंने, लेकिन पहली बार मैं खिलाड़ियों के बीच उनके खेल के मैदान में कुछ बोल रहा हूं, और पहली बार देखा भी है मैंने कि टांग से खेलने वाली चीज पे दिमाग लगाना पड़ता है। पूरे के पूरे 3 घंटे आपके बीच में रहा, आज तक कॉलेज लाइफ से लेके हमने टीवी चैनलों में देखा, फुटबॉल मैच देखा, लेकिन कभी इतने गौर से नहीं देखा कि आज इन छोटे छोटे बच्चों ने कि अपने चहल कदमों पे दिमाग भी लगाया और आज लगा कि हाँ कि छात्र जीवन में कोई खिलाड़ी बनता है तो कैसा वो भविष्य को संवारता है, इसमें दौड़ते हुए नजर आ रहा था मुझे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि खेल कुछ भी चीज का हो उसके लिए जुनून बहुत जरूरी है, और हमें सिखाया गया है, हमारे गुरु ने सिखाया है, बिना जुनून के कुछ नहीं होता, जुनून है तो जीत है। इसीलिए जब भी किसी फील्ड में जाओ, चाहे वो खेल के फील्ड में हो चाहे भविष्य संवारने के फील्ड में हो, मुझे लगता है जुनून बहुत जरूरी है। मैं जब गढ़वाल इन पगडंडियों से निकलकर देहरादून डीएवी कॉलेज में पढ़ने गया था तो मेरिट में टॉप 10 में मैं था, तो हमारे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर धशमाना यही जहरी खाल के थे, उन्होंने जब मेरी मार्कशीट देखी तो मुझे कहा कि इधर अंदर आ, और पहली बार उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तू कोटद्वार से आया है और देहरादून डीएवी में पढ़ने आया है। आज सौभाग्य की बात है उस बीएससी मैं सीबीजेट में था जो कहते हैं ना मेडिकल साइंस, जो मेडिकल सब्जेक्ट होता है बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी, ऐसी एक मैं जो फैकल्टी में था जिसके नाम से आज यहाँ शहीद मुकेश बिष्ट के नाम से रहा वो मेरा क्लासमेट था, लेकिन आज सीना भी फक्र से होता है कि साथ में पढ़ने वाला लड़का देश के लिए जवान एक शहीद हुआ, वो जवान इसी क्षेत्र का था, वो सोच आप जैसे लोगों ने रखी उसको जिंदा रखने की कोशिश रखी, मुझे बहुत खुशी भी रहती है। मैं लगातार जब भी इन लोगों ने बड़े भाई मेहरबान जी गुसाई जी भाई साहब लोगों ने केमिकल ग्राउंड में करा टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट करे चाहे मैं देश के किसी कोने में रहा हूं, लेकिन मुकेश बिष्ट उसके मैं जरूर आता था। वो दिन एक हफ्ता सिर्फ मुकेश के लिए होता था, उसका नटखटपन उसके कॉलेज के अंदर मजा करना आज भी मेरे जहन में वो जिंदा है, और आज उसको देख के और जिंदा हो गया। और उससे बड़ी बात तो आज ये हुई कि आज मेहरबान भाई ने भारत भाई को कहा कि सुबह अखबार पढ़ के 10 बजे यहां आ गए थे और हमें कहा गया कि 1 बजे यहाँ पे आना है, तो भाई वो जुनून आपका जो 20-25 साल पहले था वो जुनून आज भी है, इसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र में हैं। आज आपको हमने खेलते में देखा है और अब आपकी जगह आपका लड़का खेल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज होता है, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी होता है। ये भाषण नहीं है, दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक एक शब्द मुकेश के लिए है। वो बार बार एक माहौल बना देना, आज हमारे बीच संतन बर्थवाल जी नहीं है, वो बार बार एक माहौल बनाता था जाके कि मैं आर्मी में भर्ती हो गया और ताऊ जी बोलते थे देखो एक होना लड़का यही है। हमने उसका पीछे करते 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 हुआ आज देश के लिए शहीद भी हो गया। मैं भी देख रहा था यहाँ पे एक छोटा बच्चा तरुण इस्तवाल, उसके अंदर भी एक जुनून सा है इस मैदान को जिंदा रखने का, इस क्षेत्र के उस शहीद को जिंदा रखने का। वो कहीं ना कहीं क्रिकेट कराता है, फुटबॉल कराता है, कराता रहता है, लेकिन ये पहली बार मौका मिला इस मैदान में मुझे आने का, और फक्र से कह दूं क्योंकि मैं भी एक टीचर की औलाद हूं, आज जब राजकीय इंटर कॉलेज कुंभी चोड़
इस फाइनल को जीता है, तो मेरे माँ बाप ने जो सोचा उसे सरकारी स्कूल में पढ़ा के हमें आगे बढ़ाया है, तो आज मुझे लगता है जो निर्णय मेरे माता पिताजी का था उस टाइम पे सरकारी स्कूल में पढ़ाने का, वो सही रूप में सार्थक सिद्ध करने के उसमें आप लोग आज सफल हुए हैं। मैं आपको और आपकी टीम को, आपके कोच को, आपके स्कूल के सारे स्टाफ को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप जैसे छोटे से गांव से निकलकर एक लड़का जब क्रिकेट के मैदान में हो, फुटबॉल के मैदान में हो, जब फाइनल मैच जीतता है तो हमें धोनी जैसा चेहरा नजर आता है अपने क्षेत्र के नौजवानों में। क्योंकि फुटबॉल के बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि फुटबॉल के मैंने खिलाड़ी देखे ही नहीं है, इसलिए मैं क्रिकेट का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ जीतना जानता है, वो फील्ड चाहे वो राजनीतिक का हो, वो चाहे फील्ड किसी क्षेत्र का हो, चाहे वो फील्ड अपने जीवन को संवारने का हो। जिंदगी में अगर टारगेट फिट किया है कि मुझे IAS बनना है तो बनना है, फिर वो मैं किसके कांधे में अपना पांव रखूं, मैं किसके सीने में अपना पांव रखूं, लेकिन मुझे बनना है मेरे सपनों को बुनने वाला वो शिक्षक जो आपको विद्यालय के अंदर वो छोटी सी कक्षा में पढ़ाता है, वो शिक्षक जब आपके सपनों को बुनता है और उसको सार्थक करने का जब आप काम करते हैं, मुझे लगता है कि अभिभावक से पहले सीना किसी का फूलता है तो शिक्षक का फूलता है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने खिलाड़ी के रूप में खेला और जीता है। जो जीते हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जो थोड़ा लूज हुए हैं वो कहीं कमी रही होगी, इसके लिए आप इस बधाई के पात्र हैं। रही बात जहां तक मेहरबान जी भाई साहब और सुनील भाई साहब जी ने एक यहाँ पर कहा कि एक गढ़वाल कप के रूप में तर्ज में ही भरत कप करे, आप जैसे बुद्धिजीवी, आप जैसे सीनियर्स, आप जैसे 78 साल का एक खिलाड़ी जब कहता है तो हम मानने का काम हमारा होना चाहिए। आपके आशीर्वाद के रूप में आपने हमारे साथ किया, तो हमारे लिए और एक रेखा है, क्या आपने एक लाइन खींच दी है, शैलेंद्र एक काम करना तो करना है, और कैसे करना है सुनील भाई देखेंगे। आपने तो कहना है कि शैलेंद्र चांद सितारे जमीन पे ला तो लाऊंगा, तो ये फाइनल, और कब खेलना क्या खेलना वो आप तय करेंगे। तो एक बार जीत के जश्न के साथ एक बार फिर दोबारा मैदान में मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गढ़वाली जी, काफी जोश भरा आपने खिलाड़ियों में। और एक बात मैं भी जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ पे दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के लिए, बिष्ट जी के बारे में एक बात बताना चाहेंगे आपको, इन्होंने बहुत बड़ी एक मैराथन प्रतियोगिता भी यहाँ पे करवाई थी जिसमें कीनिया के खिलाड़ी भी आए थे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब कीनिया के खिलाड़ियों को बुला के आप यहाँ पे मैराथन करा सकते हैं, तो फुटबॉल टूर्नामेंट में तो आपने कुछ भी नहीं करना, सुनील रावत जी को डिनर पर बुलाना है, अपने आप टूर्नामेंट हो जाएगा। श्री सुनील रावत जी से, चूँकि हमारी परंपरा है, हमारे देश की परंपरा, हिंदू धर्म की परंपरा है, अतिथि देवो भव, आज बतौर अतिथि शैलेंद्र बिष्ट जी और पारस जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं एक स्मृति चिन्ह हम उनको भेंट करें, और इस स्मृति चिन्ह को भेंट करने के लिए सुनील रावत जी से निवेदन है, श्री बिष्ट जी को, शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी जोरदार तालियां, एक स्मृति चिन्ह आपके लिए हमारी ओर से, ताकि आपके जहन में यादें ताजा रहें फुटबॉल टूर्नामेंट की। और सुनील रावत जी ये स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, और बहुत अच्छा दृश्य है, और बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं आप, टीनेजर हैं आपके अंदर जो से। अब मैं विक्रम रावत जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर विक्रम रावत जी आप गेस्ट ऑफ ऑनर देंगे, मोमेंटो देंगे पारस जी को, जो जिला प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, हमारे बीच पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा मौका है, और बड़ा फुर्सत का मौका है, बहुत अच्छा फुटबॉल का माहौल है मैदान में, बहुत अच्छा खेल दिखा दोनों टीमों ने। धन्यवाद विक्रम जी, धन्यवाद पारस जी, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं पुरस्कार वितरण समारोह की। तो सबसे पहले जो पुरस्कार वितरण समारोह होना है, मैच ऑफिशियल्स जिन्होंने मैच को खिलाया, रजत नेगी, गौरव केस्टवाल, अनिश नेगी, रोहित गुसाई और मयंक रावत, और धर्मेंद्र श्री कंडारी जी से निवेदन रहेगा, धीरेंद्र कंडारी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, 78 साल के बुजुर्ग या जवान ये तो मालूम नहीं है, धीरेंद्र कंडारी जी जो बहुत बेहतरीन स्कोरर हैं, आपसे निवेदन है, और सार्थक मेरा निवेदन रहेगा, मैच ऑफिशियल एक एक करके आ जाए, स्टैंड आपको दी जानी है, तो मैच ऑफिशियल सबसे पहले रजत नेगी आ जाएं, और उनके साथ उनकी पूरी टीम आ जाए, रजत नेगी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने शानदार संचालन किया पूरे टूर्नामेंट का, रजत नेगी, और स्मार्ट वॉच और एक स्पेंड आपको दिया जाना है, और स्मार्ट वॉच आपको दी जा रही है ताकि आप जब फिटनेस का कोई वर्क करें तो आपको मालूम चलता रहे समय का, और
मैच ऑफिशियल्स एक एक करके आते रहे और गौरव केस्टो वाले समय, और बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी आयोजन में, और इस आयोजन में मैच ऑफिशियल्स हो चाहे वॉलंटियर्स हो, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये वो ऑफिशियल्स हैं, मोहित गुसाई, रोहित गुसाई हैं ये, और सभी ऑफिशियल्स को एक बेहतरीन स्मार्ट वॉच और एक रिस्टबैंड दिया जा रहा है, और ये आपकी फिटनेस को जांचने का बहुत अच्छा मौका। राजन गुसाई आ जाएं, राजन गुसाई जोरदार तालियां बजाते रहें आप, अभी तो आपने एक्स्ट्रा टाइम तक खेला है, तो अब आप थोड़ा सा समय जरूर इनके लिए भी दें ऑफिशियल्स के लिए। मयंक रावत आ जाएं इसके बाद, मयंक रावत और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, मयंक रावत फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अंडमान निकोबार तक खेल के आए हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं आप। जो बारी है खिलाड़ियों की आ गई है, तो खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिए जाने हैं, मैं गुजारिश करूंगा कमल उप्रेती जी से, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट्स के। कमल उप्रेती जी फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, नॉर्थ जोन खेले हैं। कमल उप्रेती जी आपसे निवेदन है कि अब जो पुरस्कार दिए जाने हैं यहाँ पर, उसके लिए आप थोड़ा सा अपना समय दें। और सबसे पहले जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो है गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया जा रहा है बर्थडे बॉय आकाश जीआईसी कुंभी चौक। थैंक यू, और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी टीम ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपको बर्थडे में। इसके बाद जो पुरस्कार दिया जाना है गोल्डन बूट, गोल्डन बूट दिया जा रहा है गौरव थापा जी आईसी कुंभी चौक। जोरदार तालियां बजाएं, और तालियां बजाने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, फिटनेस के लिए भी अच्छा रहता है और खिलाड़ियों का, और ये फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित होता है पुरस्कार गोल्डन बूट, और दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो होते हैं टीम के उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, गोल्डन बूट दिया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बारी आती है गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन ग्लव्स, और आप सब जानते हैं गोल्डन ग्लव्स सबसे बेहतरीन सेव करने वाली जो टीम के गोलकीपर होते हैं उनको दिया जाता है पुरस्कार, और गोल्डन ग्लव्स दिया जा रहा है भंडारी, प्रियांशु भंडारी, सबसे बेहतरीन कोटद्वार के सबसे बेहतरीन गोलकीपर प्रियांशु भंडारी, और इनको दिया जा रहा है ये पुरस्कार, बेहतरीन गोलकीपर है और बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रियांशु कोटद्वार को, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं आने वाले समय में, पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैदानी गोल नहीं हुआ प्रियांशु भंडारी के ऊपर, इसके लिए जोरदार तालियां बनती है इनके लिए। और एक और यहां पे पुरस्कार दिया जा रहा है इमर्जिंग गोलकीपर, इमर्जिंग गोलकीपर जो है विक्की कोठारी, विक्की कोठारी इनको दिया जाना है, तो अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ पर कोई और एक्सेप्ट कर ले इसको, कठहत ले ले इस पुरस्कार को, और इमर्जिंग गोलकीपर। और इसके बाद बेस्ट फॉरवर्ड, बेस्ट फॉरवर्ड का पुरस्कार दिया जाना है, और बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट हैप्पी बर्थवाल बलूनी पब्लिक स्कूल, बहुत अच्छा गेम, बहुत अच्छी खिलाड़ी है और भविष्य की संभावना है आप में, भविष्य की संभावना है आप में, दो गोल के प्रतियोगिता में, और बहुत चपल खिलाड़ी है, एक आदर्श फॉरवर्ड की सारी जो खूबियां हैं इनमें नजर आती हैं, और हैप्पी बर्थवाल बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट। और दो वॉलंटियर्स को और यहां पर पुरस्कृत किया जाना है, पहले बॉल बॉयज आदित्य नेगी, बॉल बॉयज आज यहां पर आए नहीं, लेकिन अरुण गुसाई की ओर से उनको 100 रुपए भी दिए जाने हैं, तो आदित्य नेगी बॉल बॉयज, और बलवीर सिंह नेगी जी से निवेदन रहेगा, और वो तरुण इस्टवाल जी इसके बाद, और 101 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाना है तरुण इस्टवाल जी को। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा बलवीर सिंह नेगी जी, आप आ जाएं, तरुण इस्टवाल जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जोरदार तालियां इनके लिए। अब ये
कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया था, 56 टीमों का क्रिकेट टूर्नामेंट इन्होंने कराया था और इतने तो टीम आईसीसी में भी नहीं है जितना इन्होंने कराया था। तरुण इस्टवाल बेस्ट गोल इंटर हैं ये, और बलबीर सिंह नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री गिरिराज सिंह रावत जी को। श्री गिरिराज सिंह रावत जी जो बाल भारती पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और जिनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है, तो अब रनर्स अप टीम बलूनी पब्लिक स्कूल की टीम को 4000 रुपए की नगद राशि मेडल्स और ट्रॉफी दी जानी है और इसके स्पॉन्सर्ड है श्री प्रेम सिंह रावत जी, गिरिराज सिंह रावत जी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, स्पॉन्सर्ड भी हैं। तो बलूनी पब्लिक स्कूल के जो कप्तान है वो सबसे पहले आ जाए, पहले मेडल्स यहाँ पे दिए जाने हैं, तो कप्तान उनके पीछे पूरी टीम आ जाए। तो मेडल सेरेमनी यहाँ पे होनी है और मेडल सेरेमनी के लिए हमारे साथ मौजूद है गिरिराज सिंह रावत जी, बाल भारती पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और इस रनर्स अप ट्रॉफी के स्पॉन्सर भी हैं। और तालियां बजाएंगे कुंभी चौड़ के खिलाड़ी, कुंभी चौड़ के खिलाड़ी अपनी साथी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाते रहें। मेडल यहाँ पे दिए जा रहे हैं और खड़े होकर भी बजा लें तो बढ़िया है, जरूर जोरदार तालियों के साथ। ये है टीम बलूनी, बिल्कुल इंटरनेशनल टीम नजर आती है, बेहतरीन फुटबॉल का मुजाहिरा किया पूरे 90 मिनट उसके अतिरिक्त समय तक, बेहतरीन खेल दिखाया बलूनी पब्लिक स्कूल ने और फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। टाई ब्रेकर में जरूर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन बेहतरीन टीम बलूनी पब्लिक स्कूल। जोरदार तालियों के साथ बलूनी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी मेडल्स लेते हुए, और जैसा मैं आपको बता रहे हैं मेडल्स के साथ साथ एक चमचमाती हुई रनर्स अप ट्रॉफी और 4000 रुपए की नगद राशि भी आपको दी जानी है। और ये मेडल सेरेमनी चल रही है, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं गिरिराज सिंह रावत जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इस कोटद्वार क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने में जितना बड़ा योगदान आपका है इतने सालों से उसकी कोई हम सानी नहीं है, उसकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। रोनाल्डिनो की याद दिलाते हैं, ब्राजील के एक बेहतरीन स्ट्राइकर रहे हैं रोनाल्डिनो, बिल्कुल उनकी याद ताज़ा कर दिया आपने, भविष्य में आप भारत के रोनाल्डिनो बने ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। और अब रावत जी आप वहीं पर रहे क्योंकि अभी 4000 रुपए की जो राशि है जिसके आप स्पॉन्सर भी हैं, तो अब बलूनी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी आ जाएं, बलबीर सिंह नेगी जी भी आ जाएं थोड़ा गिरिराज सिंह रावत जी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे 4000 रुपए की नगद इनामी राशि और उप विजेता ट्रॉफी यहाँ पे दी जानी है। तो खिलाड़ी आ जाएं और ये ट्रॉफी कप्तान आ जाए टीम के कप्तान अगर और सर भी आ जाए, उनके कोच भी आ जाए, बहुत बेहतरीन टीम तैयार की है बलूनी पब्लिक स्कूल के कोच ने, तो उनके कप्तान एक दो खिलाड़ी और आ जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपकी जो रनर्स अप ट्रॉफी है, और पूरे खिलाड़ी भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। और बलबीर सिंह नेगी और गिरिराज सिंह रावत जी आप दोनों के द्वारा ये बलूनी पब्लिक स्कूल को दी जा रही है 4000 रुपए की नगद राशि। बलबीर सिंह नेगी जिन्होंने हमें लगातार सहयोग किया है, शानदार दृश्य है और इस दृश्य के गवाह बनना चाहेगी टीम बलूनी BPS बलूनी पब्लिक स्कूल। रनर्स अप ट्रॉफी और 4000 रुपए की नगद राशि आपको दी जाती है और इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार खेल दिखाने के लिए आपको ढेर सारी बधाई। थापा जी आप कृपया इंदर जो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, साउंड लगानी हो, चाय की व्यवस्था करनी हो, सारी व्यवस्था करनी है, इन सारी व्यवस्थाओं को योगदान देते हैं अपना इंदर, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें, हमारे वॉलेंटियर हैं ये सारे टूर्नामेंट्स के वॉलेंटियर हैं क्रिकेट और फुटबॉल। और थापा जी के बारे में आपको बता दूँ कि इनसे बेहतरीन एथलीट कोटद्वार में कोई रहा नहीं है, लंबी दौड़ों के बहुत बड़े एथलीट रहे हैं थापा जी, बहुत छोटे नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, वर्तमान में भी एथलेटिक कोच हैं और इंदर वॉलेंटियर हैं, सारे टूर्नामेंट के वॉलेंटियर हैं, फुटबॉल नहीं सारे टूर्नामेंट के वॉलेंटियर हैं। और अब मेरा निवेदन रहेगा आज के हमारे इस फाइनल मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट शैलेंद्र सिंह बिष्ट गढ़वाली जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और आने वाले दिनों में आप आयोजक होंगे भरत कप के, आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं, और पारस जी से भी निवेदन है, और पारस जी भी थोड़ा खड़े हो जाएं। तो अब बुलाना चाहेंगे हम चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट
जीआईसी कुंभी जोड़। एक एक करके पहले मेडल यहाँ पे दिए जाएंगे, तो मेडल्स पारस जी और गढ़वाली जी दोनों मिलकर इन खिलाड़ियों को मेडल दें तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम जीआईसी कुंभी चौड़ चैंपियन बर्थडे बॉय का सबसे पहले आ जाएं और यहाँ पे पहले मेडल आप ले लें। सभी खिलाड़ियों को मेडल यहाँ पे दिए जाने हैं और बहुत शानदार दिन से तालियां आप बजाते रहें। शहीद मुकेश बिष्ट स्मृति इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन टीम जीआईसी कुंभी चौड़ गर्भ थापा, इसके बाद राम निवास। और सभी के नाम जानते हैं सिद्धार्थ, तो बहुत शानदार दृश्य जीआईसी कुंभी चौड़ के लिए और बलूनी के खिलाड़ी भी ट्रॉफी के साथ अपने फोटोग्राफ्स को लेते हुए, तो फिलहाल बहुत अच्छा दृश्य है। पारस जी हैं प्रचारक और इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम मेडल्स लेती हुई इस समय, बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पर और बहुत खुशी का क्षण। खुश तो बहुत होंगे आज, जिसे कहते हैं जीआईसी कुंभी चौड़ के खिलाड़ी, आज उन पर बिल्कुल फिट बैठता है डायलॉग अमिताभ बच्चन का, खुश तो बहुत होंगे। और लक्ष्मी रावत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइफ ऑफ सुनील रावत जी, उनको भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है फुटबॉल में और वो भी देख रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका उनको सम्मान भी मिलता है, पारितोषिक भी मिलता है। तो मेडल यहाँ पे दिए जा रहे हैं, कठेत ने अपना मेडल ले लिया और भाग्यशाली गोलकीपर रहे कठेत, मैदानी गोल फाइनल में हो नहीं पाया उनके ऊपर। शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को समर्पित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल की विजेता टीम जीआईसी कुंभी चौड़ के खिलाड़ी मेडल्स ले रहे हैं और ये छोटी सी श्रद्धांजलि है, ये टूर्नामेंट श्रद्धांजलि है शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को। और मेडल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं और जिला प्रचारक पारस जी हैं आरएसएस के और आज के इस फाइनल मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा ये मेडल्स दिए जा रहे हैं और ये मेडल्स खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी ऊर्जा का स्रोत होते हैं इसका अंदाज़ा वो खिलाड़ी ही लगा सकते हैं जिन्होंने स्कूल लेवल में इस तरह के मेडल हासिल किए हों। और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो पोडियम तक जाए, उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिले और इसके लिए बहुत मेहनत की दरकार होती है। तो सुनील रावत जी भी काफ़ी हकदार हैं, ये टीम सरकारी इंटर कॉलेज की जो फाइनल तक पहुँची और अंततः फाइनल को जीतने में भी कामयाब रही, तो मुझे तो लगता है पहली मर्तबा है जब इस तरह के टूर्नामेंट को किसी सरकारी स्कूल की टीम ने जीता है। तो मेडल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसके बाद दी जाएगी वो चमचमाती हुई ट्रॉफी और 7,000 रुपये की नकद राशि इस टीम को जिसके लिए इतने दिनों से मेहनत की है। और यतेंद्र नेगी जी, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे, यूट्यूब पर इनका जो चैनल है देवभूमि यात्रा, इसको सब्सक्राइब करें आप और इस टूर्नामेंट की झलकियां अगर आपको शाम को दोबारा देखनी हो तो आप ज़रूर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप देख सकते हैं। यतेंद्र नेगी जी लगातार इस पूरे मैच को कवर किया, पहले भी जो यहाँ पर टूर्नामेंट होते उनको कवर कर रहे थे और आशीर्वाद भी लिया। अब दी जानी है चमचमाती हुई ट्रॉफी और कैश प्राइज, श्रीमती लक्ष्मी रावत जी से निवेदन है आप थोड़ा आगे आ जाएं। लक्ष्मी रावत जी भी थोड़ा ट्रॉफी के पास रहे, तो अब चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट जीआईसी कुंभी चौड़। देखो इधर देखो, अरे हंस दो थोड़ा यार, दो ऊपर मेडल करो, मेडल दिखाओ। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये समाचार पत्रों में इस टूर्नामेंट की विजेता टीम, उपविजेता टीम और जो भी खबरें हैं वो काफी अच्छे कवरेज के साथ आएंगे। तो इस तरह से 7 जो इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है वो जीत लिया है जीआईसी कुंभी चौड़ ने, चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट जीआईसी कुंभी चौड़। तो फिलहाल इस मैदान से आप सभी का सेलिब्रिटी गेस्ट का वॉलंटियर्स का बहुत धन्यवाद, भोजन करके ही जाएंगे सभी लोग।